हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट वेरिएशन का और वर्कशीट नंबर है 1। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। अ डीलर फाइंड्स दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैंस ऑफ 5 लीटर ईच कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन्स ऑफ द सेम साइज। हाउ मेनी सच कार्टन्स विल ही रिक्वायर टू पैक 216 कैंस। तो ये जो ऑफ 5 लीटर्स ईच लिखा, आप इसको इग्नोर कर दें। 48 रिफाइंड ऑयल कैन जो है वो 8 कार्टन्स में पैक होते हैं, तो 216 कैन्स के लिए कार्टन्स जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बनाएंगे इसका टेबल। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मेरे साथ टेबल बनाएं, ऊपर एक लाइन छोड़ करके। टेबल थोड़ा लंबा रखना है ताकि फर्स्ट कॉलम जो है वो ब्रॉडर बने। दिस इज़ द टेबल, दीज आर द लास्ट 2 कॉलम्स फॉर फिलिंग द वैल्यूज, और ये आ गया इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपने लिखना है नंबर ऑफ ऑयल कैंस, नंबर ऑफ ऑयल कैंस, और उसमें कार्टन्स हैं तो नंबर ऑफ कार्टन्स, नंबर ऑफ कार्टन्स, राइट। तो कितने ऑयल कैंस हैं? 48। और कितने कार्टन्स में पैक होते हैं? 8 कार्टन्स में। उसके बाद हाउ मेनी कार्टन्स विल रिक्वायर टू पैक 216 कैंस, तो 216 यहाँ और एक्स यहाँ, राइट। अब इसका सॉल्यूशन लाइंस लिखते हैं। लेट नंबर ऑफ कार्टन्स, लेट नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड टू पैक, लेट नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड टू पैक हाउ मेनी कैंस, 216 कैंस इज इक्वल टू एक्स, राइट। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर ये केस डायरेक्ट वेरिएशन का है तो 48/8 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 216/x के, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 48 × x इज इक्वल टू 8 × 216। एक्स आएगा यहाँ से 8 × 216/48। 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, 6 × 1 = 6, 2 = 18, 3 = 36 बना, 6 × 6 = 36। तो 26 कार्टन्स जो हैं वो लगेंगे। देयरफोर नंबर ऑफ कार्टन्स, नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड टू पैक, नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड टू पैक 216 कैंस इज इक्वल टू 26। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।